दर्शाइए कि यानी मतलब सिद्ध करना है, दर्शाने का मतलब सिद्ध करना है किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना अंश का होता है 60 अंश। अब देखिए दर्शाना है हमको यही त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बना लिए। समबाहु का मतलब जिसकी क को भुजा बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो। सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इतना सबको पता है ना। चलिए अब इसको दर्शाएंगे कि जो कोण इसके सभी कोण है, कोण ए है, कोण कौन सा है ए है, कोण बी है और कोण जो सी है वो क्या है बराबर बराबर है। बराबर का मतलब कितना अंश का है तीनों कोण 60 अंश। यो 60 कोण, ए ओ 60 कोण, बी ओ 60 कोण, सी ओ 60, तीनों जो कोण है क्या है बराबर 60-60 अंश के। कितने कितने अंश के हैं 60 दिया है, एक गो 60 बना लिए, इसको कगो 60 तीन गो 60 बना लिए ना। अब देखिए कुछ नहीं करना है, सवाल में पहले ही बोल दिया है, अब इसको बना लेना है। सम सम रहे बराबर, बाहु का मतलब भुजा, कितनी भुजाएं त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीनों भुजाएं क्या होंगी आपस में बराबर। बराबर कोई वो आई जो लॉलीपॉप का होता है ना, लॉलीपॉप खाए ना, हाँ लॉलीपॉप वाला डंडा इसमें खोज दीजिए। अयो अरे ये तो चले नहीं रहा है, चलिए ठीक है चल गया, इसका डंडा इसमें खोज दिए हैं, चलिए ठीक है ना। अब इसको दर्शाने के मतलब का, अब इसका नाम भी है, नाम भी है ना, वो भुजा है तो इसका नाम है भुजा, ए सी भुजा, बी सी भुजा और ए बी भुजा। अब ये गोरी कोई किसी का दिमाग में सवाल होगा कि काहे ए से चालू किए, काहे ना बी से चालू किए। मन आपका जो मन करे, ए से चालू कीजिए, बी से चालू कीजिए, सी से चालू कीजिए, भुजाओं का नाम कहीं से भी हम ले सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। चलिए अब देखते हैं हमको जो चीज़ सिद्ध करना है, सबसे पहले दिया क्या है, क्या दिया है कि तीनों भुजाएं आपस में क्या हैं बराबर हैं। हाँ तो चलिए देखिए बराबर हैं तो लिख लेते हैं ए बी, क्या भुजा का नाम पहला है ए बी, ये ए बी भुजा है, बराबर किसके हैं ए सी भुजा के और ए सी बी सी भुजा, ठीक है ना। तीनों भुजाओं का हमने नाम लिख लिया सबसे पहले। अब देखिए इस तरफ नहीं समझ में आ रहा कैसे लिखें, तो यहाँ पर देखिए पहले क्या लिखे, ए बी किस भुजा के बराबर है, ए सी भुजा के बराबर है और तीनों कोण, अरे तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो तीनों को लिख दिए बी सी। इस भुजा का क्या नाम होगा बी सी नाम होगा और कुछ इसका नाम नहीं ले सकते। मान में होगा तो सी ए लिख लीजिए, इसका बी ए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जैसा इच्छा करे वैसा लिख सकते हैं। हमने तो कम से जो ए बी सी डी का पहला मतलब ए बी सी डी चालू होता है कहाँ से, ए से चालू ना होगा, ए बी सी डी है तो डी ए तक नहीं है जेड तक होता है ए से, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले ए लिख लिए, बी लिख लिए, फिर ए सी, फिर बी सी, ऐसे करके हमने लिख लिया, इतना लिख लिए तीनों भुजाएं बराबर होंगी। और भी जस्ट इसके थोड़े देर पहले एक चीज़ बताए थे, क्या बताए थे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण का होंगे बराबर होंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो अब देखिए अब एको सवाल अब दिमाग में क्या आएगा, यही बोलेंगे बराबर भुजाओं के बराबर कोण आपस में बराबर होंगे तो दिमाग में एको सवाल क्या होगा कि हैजा क्या करेंगे हम लोग, सूत जाएंगे, क्या करेंगे सूत जाएंगे, लात हैजा फेंक दीजिए, मूड़ी हैजा फेंक दीजिए, कौन कोण दिख रहा है ए, बी सी भुजा कोण ए के बराबर है, इसको लिख लिए, ठीक है ना। अब देखिए अब इसमें अगला भुजा देखते हैं, ए बी लिखे हैं ना, चलिए बी सी से चालू किए हैं, बी सी से अगला देखते हैं ए बी भुजा है ना, या ए सी भी देख लीजिए, सबसे पहले ए सी ए देख लेते हैं, ए सी भुजा है ना, ए सी, ए सी पर चलिए, ए सी पर चलते हैं, ए सी पर चलेंगे तो मूड़ी हैजा फेंक दीजिए और टंगरी सी पर, कौन सा कोण दिख रहा है बी, तो कोण बी बराबर है ना, कोण भी किसके बराबर है। अब देखिए भाई ए सी भुजा के मतलब जो भुजा है इसका देखिए अब दो गो कोण पे सिद्ध किए हैं, कौन सा एक गो कोण बी कोण ए, ऐसे लिख देना हो ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए हम नाम से लिखना चाहते हैं, सबसे पहले ए आता है तो ए लिखेंगे, तो ए किसके अनुसार बराबर है बी सी भुजा ना, बी सी जो भुजा है इसके चलते कोण का हो जाएगा बराबर, किसके बराबर होगा जो कोण ए है वो किसके बराबर होगा कोण बी के। अभी हमने इसको सिद्ध किया है ना,
कि कोण जो ए होगा किसके बराबर होगा, कोण बी के। अब फिर से मुड़ी और टंगरी का बात लिया, ये जो टंगरी पे किया या मुड़ी पे किए, कौन सा कोण दिख रहा है, सी। तो लिख देंगे बराबर कोण सी। देखिए अब इससे हमको यह पता चला कि जब भुजाएं बराबर होंगी सभी तो उनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे सभी। अब बस हमको दर्शाना है। अच्छा ये क्या दिख रहा है, एकदम अच्छा अच्छा चीज दिख रहा है, क्या है, त्रिभुज। इसका क्या नाम है, त्रिभुज नाम है ना। अब इसी पर ताक रहे हैं, बता नहीं रहे, त्रिभुज है इसको देखिए, समोसा नहीं है कि एकदम बना है इसको खा, नहीं खाना नहीं इसको, ठीक है ना। अब आगे देखिए, जो दिया है इसको तो लिख दिए, इतना दिया था, हो गया ना हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। बस इसको लिख डालिए, इसका नाम कोण का, कोण ए है, इसका क्या नाम है, कोण बी, इसका क्या नाम है, कोण सी है, जहाँ लिखे हैं, चले लिखे हैं। तो फिर इनका योग अब दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, योग दिखाएंगे। अब त्रिभुज में आते हैं, कहाँ कब लेते त्रिभुज का, चले भीतर ही घुस रहे थे, चले बाहर ही निकल रहे थे, ये चीज कर रहे थे ना वो। अब त्रिभुज में घुसेंगे तो लिख देंगे इस त्रिभुज का क्या नाम है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब घुस गए, अब इसमें निकलना नहीं है, क्या किया है, इसमें प्रवेश कर लिए हम लोग, चलिए प्रवेश कर लिए। अब प्रवेश करते हैं, यहाँ पर खड़ा हो गए और तीनों ओर तक लिए, जब ताके तो हमको यह पता चला कि जो तीनों कोण है उनका योग कितना होगा, 180। तो कोणों के नाम बोलना चालू कीजिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कारण भी लिख दीजिए, कारण क्या लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग। आगे भी माने तो लिख डालिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखिए एक चीज है, जब मानना होगा तो समीकरण एक हमको इसका उपयोग है, तो इसको मान लेंगे समीकरण एक, और नहीं मानना होगा तो क्या कीजिएगा, नहीं मानना होगा तो अब जहाँ इसका जरूरत पड़ेगा इसको पूरा उठा के उसे चिपका देंगे ना हो। आगे देखिए, अब कोणे, कोणे को क्या लिखते हैं, कोणे वे लिखते हैं प्लस, अब देखिए ये बदलना है, अब बदल देंगे, कोण बी को क्या लिख सकते हैं, कोणे लिख सकते हैं, कोण सी ओ लिख सकते हैं, मगर हम सबसे पहले यूज किए मतलब प्रयोग क्या किए हैं, ए को, इसीलिए बी को किसके बराबर दिखाएंगे, ए के, लिखेंगे कोण ए। अब देखिए प्लस है बीच में ना हो, यहाँ पर क्या है, बीच में प्लस है, कोण क्या है, सी, कोण सी किसके बराबर है, ए के, एवे के ना कुल बराबर है, कुल आपस में बराबर है, तो कोण ए को लिख लेंगे, लिख लेंगे जब कोण ए, अब बराबर में क्या हो जाएगा, 180 अंश ना, हर मत लिख दीजिएगा, हर नहीं होता इसमें, डिग्री होता है, इसको डिग्री बोलते हैं या अंश बोल लेते हैं। अब देखिए अब हेजक कहाँ से कुल ए, ए कुल उतर के आ गया, आसमान से नहीं उतरा है, चांद सितारों से उतर के यहाँ पर नहीं आया है, इसको हम कहाँ से उतरे हैं, समीकरण एक से, बस ये समीकरण एक भुला गए, चलिए देखिए ये लिख देंगे समीकरण कैसे हो, एक से, बस ये लिख दीजिए, इसको बंद कर दीजिए जेल में, बस छोड़ दीजिए। अब देखिए इसके आगे क्या छुपा है, एक, इसके आगे एक, इसके आगे एक, एक 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 तुम्हारे मुँह में के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसको जोड़ लेंगे ना हो, तो क्या हो जाएगा, एक दो तीन हो जाएगा ना, जोड़ेंगे जब एक एक है तो इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तीन, कोण ए बराबर 180 अंश। अब देखिए यहाँ पर गुणा रूप में उधर जाएगा तो भाग रूप में, कोण ए बराबर 180 बटे में तीन, इसको कटा दिए, तीन छके 18, एगो सोना उतार दीजिए। अब कोण ए बराबर 60 अंश, जब ए 60 होगा तो बी होगा और ये सी होगा, दोनों का होगा आपस में बराबर होगा, दोनों नहीं तीनों, तीनों ना है वो, तीन वो कोण है, लिख डालेंगे कोण, देखिए है और ही बढ़ाना है तो लिख लीजिए, कोण ए किसके बराबर है, कोण बी के, कोण ए का मान कितना आया है, 60 अंश, कोण बी बराबर 60 अंश, इस तरफ अच्छा देखने के लिए लिख दीजिए कोण
बी का मान 60 अंश। अब चलिए कोण बी का मान 60 अंश हो गया ना हो, अब इधर लिख लेते हैं। अब बी ए बी का तो मान हो गया, ए का मान है जाले निकाल लिए, है जाले किसको निकाल लिए, कोण बी को। अब कौन सा बचा, कोण सी किसके ए के बराबर है, लिख लेंगे कोण ए बराबर किसके है, कोण सी के। तो कोण ए का मान कितना है 60 अंश निकाले हैं कोण सी, इसको अच्छा देखने के लिए अच्छा से बना दीजिए कोण सी बराबर 60 अंश। अगर हिंदी लिखना होगा तो हिंदी लिख के छाप डालिएगा, क्या छाप डालेंगे, अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 60 अंश। प्रत्येक कोण का मतलब इसमें त्रिभुज में घुस जाइए, अयो 60 अंश है, अयो 60 अंश है और अयो 60 अंश है, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश।